ختم گومت ڈسٹرک پرابلم جس گسان بگوس پان مل گرتی ڈسٹرک یون ڈاکٹر اوتر پان دبی یس صرف امی روڈ خراب اس سے می اس پیو پان اخ روڈس یس کالر لاگنا دوان یارد سمری بار یس چ سوری روڈس خراب باقی چم پلر دل رنگ کرا چ سوری اپوز سوری گلا ٹروپی کاجک دگے 5 وری 3 وری گمی ڈریوری کرا یہ سڑک چھن کنڈی سے کنڈی علاقن بنی سڑک مگر بانڈی پور بنی سڑک سے می یات کاجک تیچ روپی रोपेल रूद पड़ यहाँ सड़क अक कलवट प्राटा बेस बनावान यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज को ये एडवाइस दी है कि आप जो ये रोड है इसको अवॉइड कीजिए, इस पे ट्रैवल मत कीजिए। मैं बशारत नजार सोशल एक्टिविस्ट और म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा का फॉर्मर चेयरमैन हूँ। सर आज जो बड़े मतलब बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इस रोड पे काम शुरू हुआ, क्या वजह रही थी कि ये रोड ऐसे ही पड़ा था? ये रोड बदकिस्मती के की वजह से सियासत का शिकार हुआ है, क्योंकि बांडीपोरा हमेशा जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सियासत के शिकार हुए हैं, और हम इंतहाई मशहूर हैं यहाँ के सिविल सोसाइटी के, यहाँ के मीडिया हजरात का, खासकर कश्मीर कन्वीनर का, जिन्होंने इस पर एक स्टोरी भी चलाई है। और आज जो मैडमाइजेशन का काम चल रहा है इनकी कावशों की वजह से चल रहा है, और आज मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनकी मेहनत रंग लाई है, और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत की वजह से जो बांडीपोरा का ख्वाब था वो शर्मदे ताबीर किया है। मगर मेरी एक गुजारिश रहेगी कि ये जो बांडीपोरा रोड है पाइवंदकारी से इसका मसला हल नहीं निकलेगा, और जब तक ना हमारी ख्वाहिश है, हमारी डिमांड है कि बांडीपोरा श्रीनगर रोड को नेशनल हाईवे रोड के तौर पर तरजीह दी जाए, ताकि ये हमेशा के लिए इस बीमारी का इलाज हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैग्नमाइजेशन के सिलसिले में मेरे टेन्योर में जो मैंने प्रपोजल दे दिए हैं उस पर अमल किया जाए, जिसमें नुसू जालमा रोड है, नुसू इनर लिंक्स रोड है, नुसू लांगरिशपोरा रोड है, मॉडर रोड है, और मुस्लिम आबाद रोड है, जो भी इनर लिंक्स रोड हैं उन पर मैग्नमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा जो टाउन का अहम मसला है वो ड्रेनेज का मामला है, क्योंकि ड्रेनेज के सिलसिले में हमने पुणे 5 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल दे दिया है, एक्शन प्लान दे दिया है, उस पर अभी तक अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी अहम बात जो हमारा नया बस अड्डा है, नया बस अड्डे के हवाले से पुणे 2 करोड़ रुपए का टेंडर हुई है, मगर अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, जो पिछले 1.5 साल से लटकता हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो आज मैडमाइजेशन का काम चल रहा है, हम एक्जन RNB का भी मशहूर हैं जो इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर एक गुजारिश हमारी रहेगी, आवाम की तरफ से रहेगी, कि अगर ये काम नाइट आवर्स में शुरू किया जाए ताकि ट्रांसपोर्टरों को और दुकानदारों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।